ऑल राइट, तो आज हमको देखना है व्हाट इज स्टोक्स लॉ। जैसे हम लोगों ने कल न्यूटन्स लॉ देखा था विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी आपको देता है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड। तो फ्लूइड को जो हम लोगों ने एज्यूम करके रखा था नंबर ऑफ लेयर्स में, एनी टू एडजेसेंट लेयर्स दे अंडरगो विस्कस ड्रैग, और वो विस्कस ड्रैग मतलब वो विस्कस फोर्स कितना होता है दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ। मतलब बेसिकली हाउ मच इज़ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेयर, दैट वॉज विस्कस, आई मीन दैट वॉज न्यूटन्स लॉ। सो नाउ वी आर सपोज टू सी, जस्ट अ मिनट, सो नाउ वी आर सपोज टू सी स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपको बेसिकली इट गिव्स यू, सो स्टोक्स लॉ आपको बताता है व्हाट इज अ विस्कस फोर्स ऑन अ स्मॉल बॉल, स्मॉल स्पीयर विच इज ड्रॉप थ्रू अ फ्लूइड। तो हमारे पास बेसिकली एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में हम लोग एक स्मॉल स्पीयर को ड्रॉप करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स दिस फ्लूइड इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ लेयर्स बेसिकली। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये फ्लूइड के लेयर्स है, सो दिस आर द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो जब भी वो स्मॉल बॉल, आई विल ड्रॉ इट इन ग्रीन कलर, तो जब ये स्मॉल बॉल फ्लूइड के थ्रू पास होगा, फ्लूइड से पास होगा, तो इस पे विस्कस फोर्स एक्ट होगा, और उस विस्कस फोर्स का इक्वेशन क्या होगा दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ बेसिकली। तो ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइंस आर नथिंग बट इज आर लेयर्स बोल सकते हो, डजेंट मैटर रियली। तो ये जो आपको स्टोक्स लॉ है सिलेबस में, इट इज़ जस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो आपको डिराइव नहीं करना है, इट इज़ जस्ट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट है उसका और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये आपको क्या बताता है, सो स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ, सो इट टेल्स यू विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स लेट्स से एफ सफिक्स वी एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू, तो इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स बेसिकली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री थिंग्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रेडियस स्मॉल आर ऑफ द स्पीयर, तो जो हमने स्पीयर दिखाया है उसका जो रेडियस होगा विस्कस फोर्स उस पर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा, जितना बड़ा स्पीयर होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा बेसिकली। सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी थ्रू द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर वी थ्रू द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर थ्रू द मीडियम, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। एंड थर्ड इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, सो इट डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो बेसिकली विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पीयर विच इज पासिंग थ्रू और मूविंग थ्रू और फॉलिंग, विच इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू थ्री थिंग्स, उसमें से जो दो चीज़ें हैं वो स्पीयर से रिलेटेड है, जैसे रेडियस और वेलोसिटी, और जो तीसरा है वो मीडियम मतलब जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है उससे रिलेटेड है, दैट इज विस्कोसिटी बेसिकली, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग, सो दिस विस्कस फोर्स एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू थ्री थिंग्स, ईटा आर एंड वी। ओके, सो अगर आप प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट हटाओगे तो इट कम्स आउट टू बी 6 पाई एटा आर वी। ये 6 पाई कहाँ से आया, ये एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है ये, वेयर 6 पाई इज एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी, सो वी ऑब्टेन दिस वैल्यू 6 पाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, एम्पेरिकल
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी बहुत सिंपल सा लॉ है ये, स्टोक्स लॉ इज वेरी सिंपल। सो इट जस्ट गिव्स यू एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स, नथिंग एल्स। विस्कस फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। तो वॉट इज अ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्पीयर, राइट। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी। इसी का एक सब टॉपिक मान लो। अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। या बाय द वे आई यूज सेक्शन नंबर 2.7 एंड 2.7.1 अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? सी द आइडिया इज, जब भी ये जो स्पीयर है इट इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। सो आई विल जस्ट टेक अ स्पीयर अगेन। तो ये जब फ्लूइड से फॉल होगा, फ्लूइड में से पास होगा, तो इस पे तीन फोर्स एक्ट होते हैं। तीन कौन से? वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वन इज विस्कस फोर्स विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड द थर्ड फोर्स इज अपथ्रस्ट, जिसको आप बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हो। सो द थर्ड फोर्स इज फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये अपथ्रस्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, एंड देन वी विल गो इन टू डेरिवेशन ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी। सो आई विल जस्ट यूज अ ब्लैंक पेज टू रिवाइज, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये। अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, या 11th में, जब भी, आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज, तो होता क्या है कि ये आपने लाइफ, मतलब डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप स्विमिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्विमिंग विथ योर फ्रेंड, और आपका फ्रेंड जो है बहुत हेवी वेट है, इट्स लाइक उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको अगर आप नॉर्मली एयर में उठाने की कोशिश करोगे तो नहीं उठा सकते हम लोग उसको, बिकॉज इज लाइक हेवी वेट। पर जब वो स्विमिंग पूल में है और आप भी स्विमिंग पूल में है, तो इट इज़ वेरी इजी टू लिफ्ट दैट हैवी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि कभी भी एक ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में है, तो इफ देर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन अ लिक्विड, सो लेट्स से देर इज दिस ऑब्जेक्ट विच इज इन साइड लिक्विड, इस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। सो बियॉन्ड फोर्स और अप थ्रस्ट बेसिकली। अब हमारे पास, हमको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स, क्योंकि यू कैन नॉट पुट वेइंग मशीन हियर। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम लोग वेइंग मशीन डाल दिया पानी में और मेजर कर लिया बियॉन्ड फोर्स कितना है, वैसा नहीं होता है। सो यू कैन नॉट डू इट। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मेजर इट। बट सिंपल सा ट्रिक है इसमें। इसमें किया क्या जाता है कि आप लोग यहाँ पे, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम लेवल ऑफ लिक्विड यहाँ तक है बिफोर इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ से पाइप कनेक्ट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, और देन वी विल टेक अनदर कंटेनर। डेफिनेटली इसमें मार्किंग्स होंगे, मतलब यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर आपने जब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो जितना वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम वी है मान लेता हूँ, जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही लिक्विड बाहर आ जाएगा, राइट। उतना ही लिक्विड बाहर आ जाएगा, मतलब वी बेसिकली। सो अगर आपने एक 10 मीटर क्यूब का या फिर 5 मीटर क्यूब का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया लिक्विड में, तो 5 मीटर क्यूब लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। सो द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंसर्टेड, दैट इज द आइडिया। तो जितना वेट इस डिस्प्लेस लिक्विड का होगा, उतना ही अपथ्रस्ट या फिर बियॉन्ड फोर्स होता है। सो दिस अपथ्रस्ट फोर्स, मतलब अप और थ्रस्ट मतलब फोर्स, अपवर्ड फोर्स बेसिकली। सो जो अप थ्रस्ट है, इट इज नथिंग नथिंग बट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और हमको ऑलरेडी पता है कि वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, मास इंटू जी, एम इंटू जी। सो हाउ डू वी कैलकुलेट वेट ऑफ एनीथिंग इज एम इंटू जी बेसिकली। सो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड डी एल इंटू जी, राइट। तो दिस इज वॉट यू शुड नो आइडियली। और फिर मास कैसे निकालते आपको पता होना चाहिए,
मास इज वॉट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका? डिस्प्लेस लिक्विड का। डेंसिटी किसका? लिक्विड का, क्योंकि आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल रहे हो। सो अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अप थ्रस्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट करके रखा है लिक्विड में, उस पर लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की वजह से। दैट इज इक्वल टू मास इन टू जी, बिकॉज वेट इज एम इन टू जी। किसका मास? लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका है। सो वॉट इज मास? वॉल्यूम इन टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसका? लिक्विड डिस्प्लेस का, राइट? इन टू डेंसिटी किसका? लिक्विड डिस्प्लेस का इन टू जी। बट ये लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, मतलब बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन टू जी। तो ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट अप थ्रस्ट फोर्स, राइट? सो आई विल जस्ट इरेज इट, आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट इट, क्योंकि पता होना चाहिए। एनी वेज, कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो वॉट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस? कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में ड्रॉप कर दिया, तो जब वो फ्लूइड से मूव होगा तो उस पर तीन फोर्स एक्ट होंगे, एक विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एक अप थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज वॉट यू शुड बी नोइंग। तो हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट लिख भी लेते हैं यहाँ पे। तो कंसिडर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कंसिडर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट falling through a viscous fluid, falling through a viscous fluid, forces experienced by this object, by it, during its downward motion are first, by the way, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है मैंने बताया नहीं आपको। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि जब भी आप एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हो लिक्विड में, फ्लूड में, तो इनिशियली उसका स्पीड बढ़ते जाएगा और एक स्टेज पे पहुंचने के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो द आइडिया इज कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को, एक स्पीयर को एक लिक्विड में ड्रॉप करोगे, आपने ड्रॉप किया मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और लिक्विड के अंदर एक स्टेज पे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। वो क्यों होता है हम देखेंगे, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली। तो हमको उसका इक्वेशन निकालना है और ये बहुत काम की चीज़ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री फोर्सेस। पहला फोर्स है विस्कस फोर्स FV। हमने अभी देखा ये एफ वी कैसे निकालते हो स्टोक्स लॉ से, विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, दूसरा है अपथ्रस्ट विच इज अगेन डायरेक्टेड अपवर्ड्स, या फिर उसको ब्यूएंट फोर्स भी बोलते हैं, ब्यूएंट फोर्स और अपथ्रस्ट डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो दो फोर्स अपवर्ड्स थे, डायरेक्टेड अपवर्ड। तीसरा जो फोर्स था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेट्स से एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी, और वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ? देखो नेट डाउनवर्ड फोर्स की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, अपवर्ड क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना। व्हेन यू ड्रॉप दैट ऑब्जेक्ट और बॉल और स्पीयर इनसाइड अ लिक्विड, ओवरऑल ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स और रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय लेट्स से F net, कैसे करोगे? एफ जी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स था? विस्कस फोर्स माइनस
और कौन सा था अप थ्रस्ट था। तो दो अपवर्ड फोर्स थे एक डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड विल गिव यू बेसिकली रिजल्टेंट नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय। और मैंने यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में डाल रहा हूँ तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल के आई राइट इट लाइक दिस। ओके सो ये जो नेट फोर्स है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन द स्पीड, क्योंकि आपने सिर्फ ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट को, स्पीड बढ़ते जा रहा है इनिशियली, तो ये दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन वेलोसिटी। सो एफ नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। राइट, तो अब द आइडिया इज कि इनिशियली तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक स्टेज पे क्या होगा, अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो जब फोर्सेस का बैलेंस होता है मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में गया, इक्विलिब्रियम में मतलब गया मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो एट सम स्टेज बेसिकली, एट सम स्टेज अपवर्ड फोर्सेस विल बैलेंस डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस विल बैलेंस डाउनवर्ड फोर्स, विल बैलेंस डाउनवर्ड फोर्स। दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। सो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ नेट इक्वल टू एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। सिर्फ ये मैंने इतने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, दैट्स इट। सो वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। राइट, सो एट दिस स्टेज व्हाट हैपेंस इज, एट दिस स्टेज द ऑब्जेक्ट अटेन्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो गए। देखो कभी भी एक्सेलरेशन कब होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज कब होता है, जब एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड से तो वो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो गए मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गया। सो एट दिस स्टेज द ऑब्जेक्ट अटेन्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर वन, लेट्स कॉल इट एस टू, लेट्स कॉल इट एस, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एस टू। ओके, अब हमको इस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है बेसिकली। राइट, इजी है, हम लोग इक्वेशन टू से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, या फिर एक काम करते हैं हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं कि अलग अलग जो फोर्सेस है उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेसिकली। सो यू मस्ट नो वॉट इज़ एफ वी, यू मस्ट नो वॉट इज़ एफ यू, एंड यू मस्ट नो वॉट इज़ एफ जी। सो बट वॉट वी नो इज़ एफ वी इज इक्वल टू 6π eta आर वी। ये तो अभी अभी स्टोक्स लॉ से आया। सो फ्रॉम स्टोक्स लॉ इक्वेशन नंबर थ्री, अप थ्रस्ट मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं, एफ यू अप थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हो, डजेंट मैटर, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्किप दिस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड आई विल जस्ट राइट डाउन द फाइनल फार्मूला बिकॉज यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन अप थ्रस्ट हियर। सो इट्स बेटर नॉट टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम हियर। सो इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि वो कैसे निकालते हैं हम लोग। सो इट इज जस्ट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन टू जी
मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया लिक्विड में उसका वॉल्यूम. सो इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज, लेट्स डू वन थिंग, ये जो डेंसिटी है लिक्विड का हम लोग उसको ऐसा करते हैं, एक अलग सिंबल यूज़ करते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ कन्फ्यूजन. सो दिस इज़ वॉल्यूम वी, और इसको मैं सिग्मा यूज़ कर देता हूँ जी. क्यों ऐसा? क्योंकि हमको, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो किसी और मटेरियल से बना हुआ है, उसका डेंसिटी भी होगा. हम लोग यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड का डेंसिटी भी है, तो दो डेंसिटीज हमको इस इक्वेशन में इन्वॉल्व करनी है, तो सिंबल अलग अलग यूज़ करेंगे, राइट. सो वेयर आई विल मेंशन वेयर ईटा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ, एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो भी है यहाँ पे. उसके बाद आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग. वी क्या है, पता है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे, देखो ये वापस एक प्रॉब्लम है, मैं इसको एक काम करता हूँ, कैपिटल वी दिखाता हूँ, क्योंकि स्मॉल वी इज़ वेलोसिटी एंड कैपिटल वी इज़ वॉल्यूम, तो कन्फ्यूजन होता है बहुत. कैपिटल वी इज़ बेसिकली वी एल डी, विच इज़ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बट दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस वॉज इक्वल टू वॉट, दिस वॉज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेरिकल बॉल है बेसिकली. तो यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल स्टेप, सॉरी. या सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन अगेन. एंड देन सिग्मा, सिग्मा जो था ये था आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक ही बात है, राइट. जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब सिर्फ तीसरा जो हमारे पास फोर्स है एफ जी, वो हमारा लिखना रह गया. और बाय द वे एफ यू को हम लोग आगे भी मॉडिफाई करेंगे, तो यू डोंट हैव टू एट दिस स्टेज, इट्स ओके, कर भी सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास, देखो हमारे पास क्या था कि एक बॉल था, उसका रेडियस आर था, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल वी मतलब हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की बात कर रहे हैं. एनीवेज तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हो, दिस इज अ स्पीयर विथ रेडियस आर, तो ये आएगा 4/3 πr³. आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज स्पीयर, और स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³. तो दिस इज व्हाट यू हैव बेसिकली, आपको अब थ्रस्ट मिल गया, आपको विस्कस फोर्स मिल गया, अब बचा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स हियर ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इजी ऑल्सो. एफ जी, एफ जी क्या होता है, मास इंटू जी. मास किसका, वेरी सिंपल थिंग, मास इज वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ही एक्ट हो रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. और आपको पता है कि मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो इसलिए देखो यहाँ पे जो रो यूज़ किया है, दैट रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिक्विड नहीं, फ्लूइड नहीं, दो दो डेंसिटीज आएगी. यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स हियर. एनीवेज तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट. तो वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, और इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट करूंगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो कैपिटल बी से डिनोट किया हम लोगों ने, 4/3 πr³. अभी हमने देखा जो बॉल है उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ आएगा, रो इंटू जी, इक्वेशन नंबर 5. अब ऐसा करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 2 आपको देता है एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू, इक्वेशन नंबर 3 आपको देता है एफ वी, इक्वेशन नंबर 4 आपको देता है एफ यू, और इक्वेशन नंबर 5 आपको देता है एफ जी का इक्वेशन. तो सिर्फ सब्सिट्यूट करते जाएंगे हम लोग, 4/3
पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी प्लस एफ यू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, पर लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी 4 बाई 3 पाई आर क्यूब आया था हमारे पास, राइट। इंटू सो अब थ्रस्ट के लिए आपने इक्वेशन जो डिराइव किया था, यू हैव टू रिमेंबर कि क्या इक्वेशन आया था, इंटू डेंसिटी सिग्मा, किसका डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी, इंटू जी, इंटू जी। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम आता है एक्सेप्ट फॉर डेंसिटी, एक जगह पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एक जगह पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है आपके पास वो, राइट। तो अब हमको टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वी के लिए इक्वेशन बनाना है, तो यू हैव टू कीप वी ऑन वन साइड एंड बाकी सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो जो जो पहले तो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, यू नो व्हाट इज गोइंग टू कैंसिल आउट, पाई यहाँ से हटने वाला है। सो व्हाट आई विल डू बेटर, आई विल डू बेटर इज 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4 बाई 3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सिर्फ मैंने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हूँ, दैट्स व्हाट आई हैव डन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इतना ही किया है हम लोगों ने यहाँ पे। तो इट इज 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कॉमन निकल गया, जी भी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा आ गया आपका, राइट। सो वी हैव टू कैंसिल आउट दिस एंड दिस, एक आर जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा, वो हम लिखेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज बेटर, वी इज इक्वल टू ये जो बचा आपके पास 1/6 ईटा आर 4/3 आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। सो दिस विल बी लाइक 2 जा एंड दिस विल बी लाइक 3 जा। तो एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बचेगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा 2/9, क्योंकि नीचे 3 × 3 2/9 हो जाएगा। एक आर कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर ऊपर जी था, रो माइनस सिग्मा था, अपॉन ईटा बचा यहाँ पे, लेट्स से इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 6 है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6, राइट। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो इक्वेशन 6 गिव्स टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर और ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग, और हमारे केस में ऑब्जेक्ट है स्पीयर, और ये नॉर्मली स्पीयर के लिए ही सॉल्व करते हैं हम लोग, आप क्यूब नहीं डाल सकते क्योंकि क्यूब का फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगा, और बेसिकली क्यूब पे जो फोर्सेस एक्ट होंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि स्पीयर है, स्पीयर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डिराइव एक्सप्रेशन। बाय द वे इक्वेशन 6 को आप रीराइट भी कर सकते हो, इक्वेशन 6 कैन ऑल्सो बी रिरिटन टू फाइंड आउट, रिरिटन टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 2/9 r³ जी रो माइनस सिग्मा अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी वी। तो आपको ये इक्वेशन नंबर 7 जो है, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन देता है। सो क्वाइट सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है क्योंकि डेरिवेशन है ज़्यादा इसमें, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं रिवाइज करके देता हूँ, सो विच इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो हमने स्टोक्स लॉ से स्टार्ट किया था, तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ ब्लैंक शीट अगेन। तो स्टोक्स लॉ आपको क्या बताता है, हमको सिर्फ स्टोक्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली तो नहीं बोल सकते, बट इट इज़ फॉलिंग, सो देर इज़ सम स्पीयर विच इज़ फॉलिंग थ्रू फ्लूइड, एक स्पीयर है जो फ्लूइड के थ्रू फॉल हो रहा है, राइट। मैं वहाँ पे वो फ्लूइड के लेयर्स नहीं दिखा रहा हूँ इस केस में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे विस्कस फोर्स, मतलब जो फ्लूइड इस पे अपोजिशन फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। सो दैट विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्पीयर वॉज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड वॉल्यूम, सॉरी एंड वेलोसिटी विथ विच द स्पीयर इज फॉलिंग, एंड 6 पाई ये कॉन्स्टेंट आ गया प्रोपोर्शनलिटी का, राइट। अब क्या था कि जब ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो इस पे तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, एक विस्कस फोर्स जो अभी हमने बात की स्टोक्स लॉ से एफ वी,
और एक अप थ्रस्ट है। कोई भी लिक्विड में अगर आपने सॉलिड इंसर्ट किया तो वो लिक्विड जो है उस सॉलिड पे एक अप थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स या फिर बुयंट फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट इज एफ यू। तो नेट फोर्स कितना हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एफ जी, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट स्पीड होने के बाद भी द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू, दिस इज द नेट फोर्स। एक स्टेज पे क्या होगा कि नेट फोर्स हो जाएगा आपका जीरो, मतलब उस स्टेज पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो नीचे फॉल होता रहेगा लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इमेजिन कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया था, बॉल लिया है, उसको आप लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हो, तो आप लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हो मतलब आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और एक स्टेज पे आके वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट इनसाइड लिक्विड। तो दैट स्टेज इज वेयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस। सो एफ जी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। वट इज एफ जी? एफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्पीयर, दैट इज गिवन बाय एम इंटू जी, मास ऑफ द स्पीयर इंटू जी, मास ऑफ द स्पीयर। ठीक है, आई विल नॉट यूज सफिक्स हियर क्योंकि आपको पता ही है। एंड एफ वी इज अप थ्रस्ट विच इज 6π8RV, सॉरी नॉट अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स। और अप थ्रस्ट जो है एफ यू, मैंने अभी आपको बताया वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो हम लोग निकालते हैं, अभी मैंने बताया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होता है, एम इंटू लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका। तो एम विच इज मास ऑफ द स्पीयर, मास ऑफ द स्पीयर इज वॉट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्पीयर इंटू जी, 6π8RV। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मैंने जब ये लिक्विड में इस बॉल डाला है तो लिक्विड का कितना मास डिस्प्लेस होगा, जितना कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना है वॉल्यूम इस स्पीयर का होगा। पहले तो मास को हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी यूज़ कर रहा था मैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो ये वॉल्यूम वी, यू हैव टू बी केयरफुल, वॉल्यूम वी ऑफ स्पीयर इज 4π3πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ स्पीयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एफ जी में ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल पे एक्ट हो रहा है, स्पीयर पे एक्ट हो रहा है, तो उसका डेंसिटी रो लिया था हम लोगों ने। दिस इज 6π8RV। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, जितना वॉल्यूम उस स्पीयर का है उतना ही डिस्प्लेस होगा। आप स्विमिंग पूल में कूद गए तो स्विमिंग पूल का कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितना आपका वॉल्यूम है, आपकी बॉडी का वॉल्यूम है, दैट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब उस लिक्विड का जो डेंसिटी होगा उसको मैं सिग्मा बोल रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स इट, इंटू जी। तो ये आपका आएगा 4π3πr³ रो जी इक्वल टू 6π8RV प्लस वॉल्यूम ऑफ अगेन दैट ऑब्जेक्ट 4π3πr³ सिग्मा जी। तो फिर हमने क्या किया, सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सिंपल सिंपल हम लोग सिर्फ इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 4π3πr³ रो जी माइनस 4π3πr³ सिग्मा जी। तो आप 4π3πr³ को कॉमन निकाल सकते हो, जस्ट अ मिनट, या 4π3πr³ को आप कॉमन निकाल सकते हो, जी को कॉमन निकाल सकते हो, रो माइनस सिग्मा कर दोगे यहाँ पे, और जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई थिंग। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका इक्वेशन, वी इज इक्वल टू 2π9R² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, वेरी सिंपल थिंग, सो इट्स नो बिग डील। सिर्फ आपको ध्यान देना है फोर्सेस का और वो जो उसमें वॉल्यूम का जो आपके पास इक्वेशंस आ रहे हैं उस पर।